कांवड़ यात्रा को लेके सभी रूटों पे सभी अधिकारियों के द्वारा भ्रमण किया गया है और किस रूट्स पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है इनको आइडेंटिफाई किया गया है। सभी रूट्स पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो गया है। जो ऐसे पॉइंट्स जो सेंसिटिव है एक्सीडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लैंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिटिव एरियाज है, कम्युनली सेंसिटिव एरियाज है, यहाँ सभी स्थानों पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया। इसके अलावा रूट में पड़ने वाले रास्ते उनको ठीक किया गया है। इलेक्ट्रिक सेफ्टी, रोड के जो पोल्स होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, उनकी सेफ्टी को चेक करवाया गया है। रास्ते में जो घास और अन्य इस तरह की समस्या है उनको भी सॉर्ट आउट किया गया है, उसको भी डिसॉल्व करने की कोशिश की गई है। एक ITMS के माध्यम से एक स्पेशल कावड़ विंडो तैयार की गई है जिसमें जितने भी रास्ते में पड़ने वाले CCTV कैमराज हैं उनको इंटीग्रेट किया गया है। और हम लोग ICCC के माध्यम से भी सभी कावड़ के रूट्स को वॉच करेंगे। इसके अलावा IP बेस्ड कैमरेज भी लगाए गए हैं। कावड़ शिविरों पे भी व्यवस्था की गई है, लोगों के साथ लगातार संवाद बनाए रखा जा रहा है। मंदिरों पे भी बैरिकेडिंग और जहाँ पे पानी के ऐसे स्थान है जहाँ पे कावड़ी स्नान करने के लिए जाते हैं, ऐसे जगहों पे भी प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। गोताखोरों की व्यवस्था की जाएगी और अन्य भी व्यवस्थाएँ वहाँ पर इंश्योर की जाएगी। इस तरह से लगातार हम लोग सतर्क है और मॉनिटरिंग की जा रही है और कावड़ की सारी व्यवस्थाओं को अगले 1 से 2 दिन में जो है अंतिम रूप दिया जाएगा।